बिहार के मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य कहाँ तक पहुँचा है और इस रूट पर लाइन डबलिंग अपडेट कब होगा पूरा, ये आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय रेलवे ने कहा है कि दिसंबर में नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड के 3 जोड़ी स्टेशन के बीच दोहरीकरण ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन आरंभ कर दिया जाएगा। इसी बीच नरकटियागंज मुजफ्फरपुर के बीच दोहरीकरण कार्य का जायजा लेने के लिए नरकटियागंज स्टेशन पर अधिकारी पहुंचे और वहां पर पूरा इंस्पेक्शन किया गया। दिसंबर में शुरू होने वाले स्टेशन पर दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि विकास कार्य का कुछ नई सुविधाओं से लैस इन स्टेशनों को किया जाएगा। नरकटियागंज गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड में रेल ट्रैक दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। फिलहाल मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर के बीच 3 जोड़ी स्टेशन तक दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इस क्रम में मंझौलिया से सुगौली तक दोहरीकरण काम लगभग पूरा कर लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोहरीकरण का कार्य मार्च 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर कुछ नई ट्रेनों की भी शुरुआत की जाएगी, लेकिन पहले इस रूट पर दोहरीकरण अपडेट पूरा कर लेने की बात कही जा रही है। तो ये था आज का हमारा अपडेट। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में कई और जानकारी हम लेकर के आएंगे। तब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।